नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर स्पेशल एक क्लास करवाएंगे, जिसमें आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का एक शानदार सेट होगा, जिसमें कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका आज के इस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। आपको बताने के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 जुलाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो जल्दी से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो आपसे पूछा है कि वेयर आर इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस लोकेटेड। आपको बताना है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके 28 मार्च जीडी के पेपर में पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि 28 मार्च को पेपर में पूछा चुका है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जो होता है आपका जादूगोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन आपसे पूछा है कि कंबाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके पिछले पेपर में पूछा जा चुका है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार आप लोगों से पूछा है कि येलो कलर ऑफ यूराइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपको बताना है कि मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपको बताना है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है आपका पित्त, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि होम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन से इंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो भाई लोग ऑप्शन नंबर बी, जो भी पशुपति बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छह आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज उपनिषद। आपको बताने की उपनिषद क्या है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया है, तो जल्दी से बताना है कि उपनिषद क्या है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी आपका 15 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है उसमें आपका 4 या फिर 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल का आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से भी करके जाना है। जल्दी से बताना कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो होता है एक बार का हिंदू दर्शन का स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन सी सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सात बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन सात ये पूछा है कि हु किल्ड महात्मा गांधी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। नाथुराम गोडसे, जेसम रसेल, ऑप्शन नंबर सी आपका सच्चा सिंह बसंती, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुंदन मेहता। जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या जो किया गया था वो आपका नाथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। आपको बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। जल्दी से बताना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर, यानी कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वो आपका बेंगलुरु में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 में, कब हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसे बैकग्राउंड नॉइज को मतलब इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत मतलब रेलवे लाइन के करीब है, इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर कर देना। चलो, नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। आपको बताना है कि मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ऑप्शन आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। जल्दी से बताना कि मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बोल दूँ कि आप अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अच्छी तरीके से पढ़कर जाना, जितने भी महत्वपूर्ण है, या फिर मैं आपको बिल्कुल फ्री में PDF है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया इज, आपको बताना कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है। क्वेश्चन आपके शायद पेपर में 2 बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन है। ऑप्शन है आपका यमुना नहर, ऑप्शन बी सरहिंद नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊपरी बार दोहाब नहर। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हुआ इज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, आपको बताना है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, चांद बीबी, बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी नूरजहां। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तीर्थकर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है। जल्दी से बता रहे कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए आपका 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 14, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर डी 24 बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा है कि अंडर हुच रूल वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ड, आपको बताने कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन में निर्मित हुई थी। बहुत ही सिलेक्टेड लास्ट जो आप शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको लिए अच्छे से कल से या फिर आज से ही आपके लिए बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल आपके साथ रेगुलर क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर आप लोग शेयर करोगे तो हमारे साथ बंदे जुड़ेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी, जो भी ऑप्शन ने बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हुआ इज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन थे। मतलब कि देखो आपको बताना कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, अशोक मेहता, आसफ अली, JB कृपलानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पर दे रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ दिस कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप। ऑप्शन आपका बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी आपका चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी नॉर्वे, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। तो देखिएगा यूरोप का कॉकपिट पूछा है, तो यूरोप का कॉकपिट जो कहा जाता है वो आपका बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन ने यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द त्रिवेणी कैनल सिचुएटेड, आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कमला। तो देखिएगा त्रिवेणी नहर जो होता है वो आपका गंडक नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक कहा जाता है आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल, देखो आपको बताना कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। और कोणार्क मंदिर जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो आपका नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ने यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट इज फाउंड इन, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना कि लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन आपका ह्यूमस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी लोहा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटास। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसका राइट आंसर बताना। देखिएगा लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो आपका लोहा के कारण, क्योंकि उसमें लोहा का अधिकतम मात्रा होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन आपका 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925। जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कौन से साल में शुरू किया था। बहुत ही सब्जेक्ट शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1920 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि नथुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि नथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा नथुला दर्रा पूछा है, तो नथुला दर्रा जो होता है आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो रोहतांग दर्रा जो होता है आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बनिहाल दर्रा जो अवस्थित होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ऑप्शन आपका केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। जल्दी से बताना है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड, यानी कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है कि व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, कौन से तारीख को मनाया जाता है, 26 जुलाई 29 अगस्त 28 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। तो देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो होते हैं आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कारगिल दिवस की बात करें तो कारगिल विजय दिवस जो होता है वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके समझो। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से पूछा है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक, मतलब कितने दिनों तक लड़ी गई थी। आपको बताना है कि कितने दिनों तक लड़ी गई थी। जल्दी से बताना है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, 14, 16 या फिर 18 या फिर 21। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 दिनों तक लड़ा गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है कि इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट। आपको बताना है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि वाटरलू का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे लड़के इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता दिए हैं, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था आपका 1815 में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 25 क्वेश्चन का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। आप जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपका स्कोर 22 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आप बिल्कुल 15 जनवरी एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका आज के इस पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका आज से डेली रेगुलर क्लास होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो। दोस्तों आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।